सुप्रभात बच्चों, आज हम दीर्घ ई की बनावट को डिफरेंट स्टेप्स में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम दीर्घ ई की पहचान सीखेंगे। आप मेरे बाद दोहराओगे, ई से ईक, ई से ईट, ई से ईद, ई से ईंधन। अब मैं आपको दीर्घ ई के डिफरेंट स्टेप्स को समझाती हूँ। फर्स्ट स्टेप में हमें टॉप लाइन से एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है। सेकंड स्टेप में हमें स्टैंडिंग लाइन के नीचे से एक कर्व बनानी है। थर्ड स्टेप में हमें पहले कर्व के नीचे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और कर्व बनानी है। फोर्थ स्टेप में हमें सेकंड कर्व को ऊपर की तरफ ले जाते हुए एक स्लैंटिंग लाइन बॉटम लाइन तक लानी है। फिफ्थ स्टेप में हमें स्टैंडिंग लाइन के ऊपर शिरोरेखा लगानी है। सिक्स्थ स्टेप में हम शिरोरेखा के ऊपर एक और कर्व बनाएंगे। अब मैं आपको दीर्घ ई लिखकर दिखाती हूँ। आप अपनी कॉपी और पेंसिल के साथ रेडी हो जाइए और मेरे बाद आप अपनी कॉपी में दीर्घ ई की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमें एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनानी है। सेकंड स्टेप में हमें स्टैंडिंग लाइन के नीचे एक कर्व बनानी है। थर्ड स्टेप में हमें फर्स्ट कर्व के नीचे से ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और कर्व बनानी है। फोर्थ स्टेप में सेकंड कर्व को ऊपर की तरफ ले जाते हुए एक स्लैंट लाइन बॉटम लाइन तक लानी है। फिफ्थ स्टेप में हमें स्टैंडिंग लाइन के ऊपर शिरोरेखा लगानी है। सिक्स्थ स्टेप में हम शिरोरेखा के ऊपर एक कर्व बनाएंगे। दीर्घ ई तैयार है। धन्यवाद।